हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज का वीडियो है वो होने वाला है ये ADS का जो मेकअप किट है, ब्राइडल मेकअप किट, उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वेदर यू हैव टू बाई इट और नॉट, सो अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के लिए ना भूलिएगा। स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा वो है ADS का सिनेमा मेकअप किट। ओके, ब्राइडल किट जो बोला जाता है, इसको ब्राइडल किट क्यों बोला जाता है, इसमें लोग ने सारे रेंजेस कवर किए हैं, जैसे कि आई शेडो, ब्रशेस, लिपस्टिक्स एंड कॉम्पैक्ट पाउडर, मस्कारा, आईलाइनर, ऑल रेंजेस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके बॉक्स पे कुछ ऐसा लिखा है, ADS वाटरप्रूफ। ओ वाओ, इट्स अ वाटरप्रूफ। लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वाटरप्रूफ है। सो आप देख सकते हैं पीछे पैकेजिंग में लोग ने उर्दू में लिखा है, आई डोंट नो व्हाई, मैंने तो यहाँ से इंडिया से ही परचेज किया था इसको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मैंशनड है डिटेल्स वगैरह पीछे बॉक्स पे। तो देख सकते हैं आप, 6 ब्लशर है, 5 नेदर आईलाइनर, 4 हाइलाइटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशनड है यहाँ पे। ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है एंड यस, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी लोग ने सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन किए, कॉशंस, जैसे आप देख सकते हैं, स्टोरेज इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस एंड चिल्ड्रन से दूर रखना है। ओके, सो लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है एंड ये मेरा ADS मिट चुका है, क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम पुराना, मतलब बहुत टाइम पहले का लिया हुआ है, तो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो यू कैन सी दिस, ये एकदम रेड बॉक्स है इसका, जो कि लग रहा है कि ब्राइडल किट का, जैसे रेड कलर होता है तो ये पूरा रेड बॉक्स है ब्राइडल किट का, एंड जो काफ़ी क्यूट लगा, मतलब इसका पैकेजिंग है ना वो काफ़ी क्यूट लगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 30 आई शेडोज आ जाते हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आई शेडोज़ कुछ ऐसे दिखते हैं, इसमें ग्लिटरी आई शेडोज़ बिल्कुल भी नहीं है, जो ग्लिटरी है ना वो लग भी नहीं रहा है कि वो ग्लिटर आई शेडोज़ है। तो यहाँ पे आप कुछ 4 आई शेडो ब्रश मिल जाते हैं, जो कि मेरा घूम गया है, आई एम सो सॉरी। सो मैं आपको आई शेडोज़ दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 आई शेडोज़ आपको मिल जाते हैं, हर कलर में आपको ये आई शेडो मिल जाते हैं। ओके, सो ये कुछ ऐसा ओपन होता है। यहाँ पे आपको 4 कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाते हैं, जिसमें आपको 2 शिमरी कॉम्पैक्ट पाउडर मिलता है एंड 2 विदाउट शिमर कॉम्पैक्ट पाउडर मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो विदाउट शिमर वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है वो मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। सो मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ, जो आई शेडो पैलेट्स है। तो ये देख सकते हैं आप, पहले मैं आपको पूरा पैकेजिंग दिखा देती हूँ इसका, जो मिरर यहाँ पे ऊपर आपको एक मिरर आ जाता है बड़ा अच्छा सा एक, फिर यहाँ पे आपको आई शेडो पैलेट्स आ जाता है, यहाँ पे कॉम्पैक्ट आ जाता है आपको। तो फिर आप ऐसे ओपन करोगे इसको तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे 2 शिमर्स मिल जाते हैं, एक शार्पनर मिल जाता है एंड यहाँ पे 2 लिपस्टिक और थी जो मेरी घूम गई है, एंड यहाँ पे एक रेड लिपस्टिक है, यहाँ पे आपको आईलाइनर एंड मस्कारा मिल जाता है जो कि मेरा घूम गया है। सो यहाँ पे अभी अब ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, यहाँ पे 6 ब्लशेस मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको लिपस्टिक्स मिल जाती है, 9 लिपस्टिक्स मिल जाती है, 9 लिपस्टिक्स का शेड्स। तो नीचे जब ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे ब्रशेस और स्पॉन्ज, जो कॉम्पैक्ट का स्पॉन्ज होता है वो था, तो वो है नहीं, मेरा घूम गया है, तो मैं आपको यही पूरा दिखा देती हूँ। ओके, सो ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग आ जाती है, जो कि काफ़ी क्यूट है, काफ़ी हैंडी है ये। सो या, यू कैन सी दिस, सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। सो मैं आपको आई शेडो का स्वॉचेस दिखा देती हूँ, सो यू कैन सी दी स्वॉच। देख रहे हैं आप, ये मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आया, ये मेरा सब गिर के टूटा हुआ है, मैंने यूज़ इसको ज़रा भी नहीं यूज़ किया, मेरा यूज़ में आया ही नहीं है। इसमें जो मेरा यूज़ आया है वो सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर है। आपको मैं इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ, ये काफ़ी चौकी है, बहुत चौकी, पिगमेंटेड तो है लेकिन चौकी बहुत है ये, एंड यस, ये वाटर प्रूफ भी नहीं है। सो यू कैन सी दिस वॉच, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
सो आई डोंट लाइक दी आई शेडो वन, लेट मी शो यू दी ग्लिटर्स. तो ये ग्लिटर्स है, अब तो ये इतना यूज़ में आता भी नहीं. तो अब जो आजकल जो आई शेडो पैलेट्स आ रहे हैं वो इतने अच्छे ग्लिटरी आई शेडो पैलेट्स आ रहे हैं, सो आपको ये लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पे एक शार्पनर आ जाता है. यहाँ पे लिपस्टिक मैं आपको दिखा देती हूँ, दो लिपस्टिक और थी, एक ब्राउन शेड था एंड एक पिंक शेड था. सो लिपस्टिक भी मुझे काफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लग रहा था एकदम लो क्वालिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी लग रहा था ये. इसका आप स्वॉच भी दिखा देती हूँ, सो यू कैन सी दिस. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस प्रोडक्ट एज मच. सो मैं आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर्स का भी स्वॉच दिखा देती हूँ, सो यू कैन सी दिस हाउ इट लुक्स लाइक. मतलब ओके ही है कॉम्पैक्ट पाउडर आजकल तो, इतने अच्छे कम रेंज में 150 के रेंज में आपको इतने अच्छे ब्रांड के कॉम्पैक्ट पाउडर मिलते हैं, तो सो व्हाई यू कैन गो फॉर दिस वन. 150 रुपीज़ में आपको फिट मी का मिल जाता है ऑफर्स में, सो या डेफिनेटली नो फ्रॉम माय साइड, कॉम्पैक्ट पाउडर इज डेफिनेटली अ नो. सो नाउ यू कैन सी दी दीज आर दी ब्लशेज, 6 ब्लशेज. मैं आपको स्वॉच दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू दिस वॉच. So yeah, look at this. Okay, she blush. ये जो पिंक वाला शेड है ना मुझे नहीं अच्छा लगा. अगर आप ये फेस पे लगाओगे ना ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इसके, तो आप वॉश आउट करोगे ना, मतलब वॉश आउट नहीं, आपका अगर स्वेट होगा ना तो पूरा मेकअप बह जाएगा आपका. ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ मेकअप नहीं है. सो आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू दी लिपस्टिक स्वॉच. सो यहाँ पे कर लेती हूँ स्वॉच, लेट मी शो यू दिस. I just don't like this product. I am not going to recommend this product, yaar. Seriously. Market में इतने अच्छे अच्छे brands आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे affordable ranges आ गए हैं. So I definitely not going to recommend this product to you all. So yes, that's all for this review. मेरा यही review है जो मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू ऑल ऑफ यू. मैं आपको इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ, पिंकिश कितना चौकी प्रोडक्ट है. मतलब दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू पार्ट. ओके, सो मैंने आपको बता ही दिया कि आजकल मार्केट में इतने अच्छे अफोर्डेबल रेंजेस आ गए, यू कैन गो फॉर दैट वन. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं 1000 और इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. इसका प्राइस तो 1000 रेंज के अराउंड मैंने इसको परचेज किया था. तो 1000 रेंज में मैं अगर आपको एक अच्छा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताऊँ तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन. एंड येस, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू ऑल दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये वेस्ट ऑफ मनी है ये प्रोडक्ट. सो येस, थम्स डाउन फॉर दिस प्रोडक्ट. सो यू कैन गो फॉर द बेटर वन. आप एक अलग अलग जो प्रोडक्ट्स लेके आप उसको अपना एक अच्छा मेकअप किट बना लो तो वो बेटर होगा आपके लिए. जैसे कि मेकअप फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, लैक्मे का फाउंडेशन 925, विच वन इज़ वे बेटर देन दिस वन कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड बहुत सी लिपस्टिक्स हैं अफोर्डेबल, सो यू कैन गो डेफिनेटली गो फॉर दैट वन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे